इस्लामाबाद हाईवे पे डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद के एक और एक्सेस पॉइंट पे चल रहा है डेवलपमेंट वर्क एंड वी विल बी शोइंग यू द ड्रोन फुटेज इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद के 3 एक्सेस पॉइंट हैं फ्रॉम इस्लामाबाद हाईवे। एक गेट नंबर 1 वाला है जहां से आप सेक्टर एबीसी को कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे रिसेंटली डीएचए ने नए डिजाइन के गेट बनाए हैं। और एक दूसरा जो उसका एक्सेस पॉइंट है वो है जी विद 150 फीट वाइड डीएचए एक्सप्रेसवे, जो आगे नोवा केयर हॉस्पिटल और डीएचए हेड ऑफिस की जहां पे साइट है उस तरफ वो जो राउट है जाता है। अब इसके एक और एक्सेस पे भी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। वैसे ओरिजिनली ये एक्सेस पॉइंट मौजूद था वहाँ पे, एक पुराने डिज़ाइन का गेट जो पहले हुआ करता था वो बना हुआ था, लेकिन वो राउट जो था वो अबैंडन था। लेकिन अब डीएचए ने उस गेट को डिसमेंटल करके दोबारा से जो है वहाँ पे एक्सेस जो है बनाना शुरू कर दिया। आपको स्क्रीन पे इस वक्त ड्रोन फुटेज भी नज़र आ रही है। आई एम ऑल्सो व्यूइंग इट एज यू आर सीइंग इट। आपको एक बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है नोन एज शॉप बाई शॉप। यहाँ पे शॉप्स थी कमर्शियल जो डीएचए ने इंस्टॉलमेंट्स पे दी थी, बट इस पर कोई लिटिगेशन का इशू हुआ। अब डीएचए जो शॉप होल्डर्स हैं उनको कंपनसेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। एनीवेज डेट आपको अब नज़र नहीं आएगा पुराना, वो डिसमेंटल हो चुका है। एक छोटा सा राउंड बोर्ड बना हुआ है, आप जैसे ही आगे जाते हैं तो आपको एक वेरी वाइड बुलेवार्ड आई शुड से नज़र आ रही होगी। वी डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दैट बुलेवार्ड राइट नाउ। लेफ्ट साइड पर जो आपको नज़र आया है स्क्वायर फॉर्म में वेकेंट स्पेस, दैट इज़ अ कमर्शियल प्लॉट, ठीक है, जहाँ पे प्रॉबली कोई बहुत बड़ा हाई राइज बिल्डिंग जो है बनेगी। ये कनाल्स में है बाय द वे, इट्स अ बिग बिग प्लॉट। राइट साइड पे भी प्लॉट्स हैं, यहाँ पे डीएचए सिविक कोर्ट यार्ड और डाउनटाउन के नाम से कमर्शियल प्लॉट्स, बड़े कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो डीएचए ने दिए। एनीवेज हम इस बुलेवार्ड अननेम बुलेवार्ड पे आके जाते हैं तो हमें एक ब्रिज नज़र आता है। ये फर्स्ट फुटेज है जो हम आपको इस ब्रिज की बाय द वे दिखा रहे हैं। ये पहले हमने जब लास्ट टाइम को प्रेजेंट किया था उस वक्त ये ब्रिज पूरा नहीं था। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो जो है इसकी दिखाता हूँ ब्रिज की स्पेसिफिकली, ताकि आपको आइडिया हो कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ब्रिज, बिकॉज देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस ब्रिज। नंबर वन, इसमें आपको चार टावर्स नज़र आ रहे होंगे बड़े, और राइट और लेफ्ट साइड पे इस ड्रोन फुटेज के जहाँ से ये शुरू और एंड हो रहा है वहाँ पे भी आपको टावर्स नज़र आ रहे होंगे। उसके साथ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ग्रिल्स नज़र आ रही होंगी जो टावर्स के बीच में लग रही हैं, और कुछ उस अननेम्ड बुलेवार्ड पे भी पड़ी हैं। ये बेसिकली वर्टिकल सस्पेंडर्स हैं जिनके ऊपर मेन सस्पेंशन या तो केबल लगेगी इन अ फॉर्म ऑफ एन आर्च, और इट विल एब्सोल्युटली लुक अमेजिंग जब ये ब्रिज जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ये डीएचए को नॉर्मल ब्रिज नहीं बना रहा जैसे यूजली वो बनाते हैं, जैसे आपने देखें वो जो फेज 4 को कनेक्ट किया बैरिया के साथ, उस ब्रिज को देखें, दिस ब्रिज इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। ब्लू बेल ब्रिज को देखें, ये ब्रिज उसकी तरह का नहीं होगा। सो डीएचए दिस टाइम इज़ डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ द ब्रिज। हमारे चैनल पे कमेंट भी आया था कि कोई अच्छा ब्रिज जो है बनाना चाहिए। सो वी हैव टावर्स, वी हैव वर्टिकल सस्पेंडर्स, एंड वर्टिकल सस्पेंडर्स के ऊपर जो है वो सस्पेंशन केबल्स जाएंगी मेन, और प्रॉब्ली उस पर फ्लैग भी अगर ये लगा दें इन चार टावर्स पे तो इट्स गोइंग टू लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड पाइन हिल्स, चूंकि ये आगे पाइन हिल्स पे जाता है, वी विल डू अ वीडियो जहाँ पे गोल्फ कोर्स है ऑन दैट गोल्फ कोर्स एज वेल, के काम कहाँ तक पहुँचे। आई थिंक इट डिजर्व्स पाइन हिल्स एंड ओवरसी सेक्टर के इस कम्युनिटी के ऐसे के ऐसा ब्रिज जो वहाँ पे है बने, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड फ्रॉम मूव ऑन फ्रॉम दैट ब्रिज और हम आगे चलते हैं। तो आपको अब एक डर्ट रोड नज़र आ रही होगी जैसी ड्रोन ने पैन किया टू द राइट। उसके आगे लिटिगेशन है, ठीक है, ये लिटिगेशन अभी क्लियर नहीं हुई। ये है कॉर्निश एवेन्यू, ठीक है। बाय द वे आई वाज जस्ट डिगिंग अप के व्हाट कॉर्निश एवेन्यू इज़ ऑल अबाउट। सो इट्स बेसिकली अ रोड जिसके एक साइड पे एलिवेटेड एरिया हो, दूसरी साइड पे फॉलिंग डाउन जो सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेशन काइंड ऑफ अ स्लोपी एरिया जो है वो हो। दुबई में हमने देखा है कि इस तरह की रोड जो है वो होती हैं। इट्स अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स आई थिंक वाज जस्ट लुकिंग अप इट something on a ledge, something like that जो है वो इसका मतलब है। Anyways, we have these two litigations. जैसी litigation clear होती है तो आगे फिर आपको टायर मार्क्स नज़र आ रहे हैं मशीनरी के, और कॉर्निश एवेन्यू जो है कॉर्निश एवेन्यू उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। आगे जब ड्रोन फ्लाई करता है जैसी गोल्फ कोर्स के करीब जाता है तो ये ग्रे टॉप सड़क आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। सो ये 80 फीट वाइड एवेन्यू है जी, ये सीधा जाता है और फिर एक litigation का पैच आ जाता है जिसके करीब से इसको बाईपास कर रहा है बेसिकली एक डंपर। तो ऑब्वियसली ये लैंड, ये दोनों पैचेस जो है लिटिगेशन के डीएचए ने क्लियर करने हैं, तभी कॉर्निश एवेन्यू जो है वो थ्रू होगा। और ये एवेन्यू पाइन हिल्स गोल्फ कोर्स को रेजिडेंशियल प्लॉट्स यहाँ पे एक डेढ़ दो कनाल के प्लॉट है उन्हें क्रॉस करता है और फिर एक और एरिए के पास आ जाता है जिसके क्रॉस आपको घर बने नज़र आ रहे होंगे।
दैट इज़ दी ओवरसी सेक्टर की ऑफ DHA फेज 5 इस्लामाबाद. ये पाइन हिल्स के साथ कनेक्टेड है और कॉर्निश एवेन्यू जो है, कॉर्निश एवेन्यू ये थर्ड एवेन्यू ओवरसी सेक्टर के साथ कनेक्ट करेगी. यहाँ पे डिप्रेशन एरिया था जिसको DHA ने फिलअप किया है ताकि इसका कनेक्शन जो है वो बन जाए विद दी ओवरसीज सेक्टर के. ठीक है. सो अब पाइन हिल्स गोल्फ कोर्स इको फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ कम्युनिटीज़ का इन्होंने नाम रखा हुआ है. उसके साथ ओवरसीज सेक्टर के है. वी हैव ओनली वन एंट्रेंस, डेडिकेटेड एंट्रेंस ऑफ ओवरसीज सेक्टर के फ्रॉम द ब्रिज, जो आप अक्सर हमारी वीडियोज़ में देखते हैं. और अब ओवरसीज सेक्टर के और पाइन हिल्स को आप वाया इस्लामाबाद हाईवे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं. गेटेड कम्युनिटी है, क्लोज्ड है. हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिशल्स को जो है पाइन हिल्स में प्लॉट्स मिल रहे हैं. तो सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट टॉप नॉच, नॉट जस्ट फॉर पाइन हिल्स बट फॉर ओवरसीज सेक्टर के एज वेल. ठीक है. तो वंस ये सबसे एक्सक्लूसिव एक्सेस पॉइंट जो है वो डेवलपमेंट वर्क कम्प्लीट हो जाएगा, तो वील बी ऑफिशियली हैविंग 3 एक्सेस पॉइंट्स ऑफ DHA फेज 5 इस्लामाबाद वाया गेट नंबर 1, वाया गेट 150 फीट वाइड DHA एक्सप्रेस वे, एंड दिस गेट जो कॉर्निश एवेन्यू के साथ वाया ब्रिज जो है वो हमें थ्रू करेगा. ठीक है. सो ऑन दैट नोट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप. वील कीप डूइंग सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फॉर यू. थैंक यू वेरी मच.